और देखिए एक अपडेट ये है कि देश भर में आयकर विभाग की छापेमारी जारी है और राजनीतिक दलों की फंडिंग मामले में ये छापेमारी चल रही है। टैक्स चोरी के मामले में आईटी की ये छापेमारी, मिड डे मील के घोटाले मामले में ये छापेमारी हुई है। दिल्ली, यूपी, जयपुर, बेंगलुरु, छत्तीसगढ़ में तमाम जगहों पर ये छापेमारी चल रही है। तो लगातार कई जगहों पर ये रेड चल रही है, घोटाले को लेकर भी ये छापेमारी की जा रही है। पार्टी के नाम पर चंदा उगाही को लेकर भी ये छापेमारी, दिल्ली, यूपी, जयपुर, बेंगलुरु, छत्तीसगढ़, इन तमाम राज्यों में अलग अलग ठिकानों पर ये आयकर विभाग की, इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। कई एनजीओ हैं जिनके संचालक गोपाल राय हैं, इनकी पार्टी है, इस पर भी गलत तरीके से फंडिंग लेने का आरोप है और उन पैसों की भी जांच पड़ताल की जा रही है। काले धन को सफेद करने के मामले में ये छापेमारी की बड़ी कार्रवाई चल रही है। तो दिल्ली से राजस्थान, यूपी से कर्नाटक तक छापेमारी की बड़ी कार्रवाई आईटी विभाग की तरफ से की जा रही है। तो लगातार आयकर विभाग की तरफ से अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी चल रही है राजनीतिक दलों से फंडिंग का जुड़ा मामला, और आरोप ये लग रहे हैं कि काले धन को सफेद करने के लिए सारी जो इस तरह की राजनीतिक पार्टियों का इस्तेमाल होता था, इसमें कुछ एनजीओज भी ऐसे हैं जिनको लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शक है। 8 राज्यों में अलग अलग ठिकानों पर, करीब 100 से ज़्यादा ठिकानों पर आईटी की ये रेड चल रही है। दिल्ली, यूपी, जयपुर से लेकर कर्नाटक के भी कई ठिकाने हैं जो शामिल हैं। 100 जगहों पर आईटी की ये छापेमारी इस वक्त चल रही है। तो सियासी शुद्धिकरण के लिहाज से आज की ये जो कार्रवाई है, ये जो एक्शन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, ये बहुत अहम माना जा रहा है। जल्दी से आपको बताते हैं कि किन किन राज्यों में कहां कहां इस वक्त आईटी की पड़ रही है रेड। ये देखिए मैप के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश में लखनऊ और कानपुर, ये दो शहर जो हैं, ये रडार पर नजर आ रहे हैं। यहां पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इसके अलावा उत्तराखंड में देहरादून में भी आईटी की रेड हुई है। ये देखिए राजस्थान में जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी आईटी की रेड हुई है। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ में रेड पड़ी है। महाराष्ट्र में मुंबई और कल्याण में इनकम टैक्स की टीम्स जगह जगह छापेमारी कर रही है, और कर्नाटक के बेंगलुरु में भी पड़ रहे हैं आईटी के छापे। और इसी से जुड़ी अगली बड़ी खबर, राजनीतिक दलों की फंडिंग के मामले में दिल्ली में रेड हो रही है। दिल्ली में जनराज पार्टी के दफ्तर में आईटी की छापेमारी हुई है। जी हां, जनराज पार्टी, इसका दफ्तर है दिल्ली में और वो इनकम टैक्स के रडार पर नजर आ रही है। अभिषेक कृष्णा नाम के वकील के दफ्तर में भी छापेमारी की गई है। इसके अलावा राजनीतिक पार्टी के नाम पर ब्लैक मनी को व्हाइट करने का बड़ा संगीन आरोप लगा है, यानी राजनीतिक दलों का इस्तेमाल करके ब्लैक मनी को व्हाइट किया जाता था। इससे जुड़े तमाम सबूत हाथ लगे हैं आईटी के और अब ये रेड मारी जा रही है। और जैसा कि खबर मिल रही है कि 8 राज्य हैं, 100 के करीब ठिकाने हैं जहां पर ये रेड इस वक्त चल रही है। अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ दिल्ली से हैं, मकरंद काले इस वक्त भोपाल में मौजूद हमारे साथ, हमारे सहयोगी मयूरेश गणपते मुंबई से, प्रीति श्रीवास्तव लखनऊ से, किशोर रावत देहरादून से, ध्वज आर्य जयपुर से जुड़े हुए। ध्वज के पास सबसे पहले चलेंगे। ध्वज, कहां कहां राजस्थान में छापे पड़ रहे हैं और क्या कुछ जानकारी मिल रही है कि किन लोगों के ये ठिकाने हैं, पते हैं जहां पर आईटी की टीम ने धावा बोला है? राजस्थान की बात की जाए तो गृह राज्य मंत्री जो कि राजेंद्र यादव हैं, इनके ठिकानों पर राजस्थान
उत्तराखंड और गुड़गांव में इनके जो ठिकाने हैं वहाँ पर इनकम टैक्स की जो रेड है वो लगातार जारी है, अभी भी ये रेड चल रही है। और उसके साथ साथ में जो इनकी जो कारखाने हैं, फैक्ट्री है, पैकेजिंग और जो कट्टे जो कि पैक करने की जो इनकी फैक्ट्री है वहाँ पर इनकी रेड है वो लगातार जारी है। और वहीं राजेंद्र यादव से जब हमने बातचीत करने का प्रयास किया तो उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि राजनीतिक जो है द्वेषता है उसी के चलते उनके ऊपर जो है रेड मारी गई है, उनके जो ठिकानों पर रेड मारी गई, उनके जो रिश्तेदार हैं उन पर जो है इनकम टैक्स की जो रेड जो मारी गई। सुबह 8 बजे से ये रेड स्टार्ट हुई थी और उसके साथ साथ में एक साथ जो कि राजस्थान के कोटपुतली, जयपुर और उसके साथ साथ गुड़गांव और उत्तराखंड में इनके सभी ठिकानों पर एक साथ जो है रेड मारी गई थी। मेरे साथ राजेंद्र यादव जी हैं, एक बार इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ कहना है इनका। हमारे कहीं पर भी इस तरीके की किसी उसमें इन्वॉल्व नहीं है जी। फैक्ट्री क्या आपके बेटे के नाम है, किसके नाम है? फैक्ट्री कंपनी है हमारी, उसके अंदर फैक्ट्री है जी। तो अभी भी कार्रवाई जारी है? अभी सर्च चल रही है। कोई वहाँ से इनपुट्स मिले हो आपको? अभी सीजर बनेगा, इनपुट्स आएंगे जब सीजर की कॉपी मिलेगी हमें, उसके बाद आएगा। राजनीतिक अभी सर्च होती है, आप लोग जब सर्च स्टार्ट होती है सर्च खत्म होने तक आप कुछ भी नहीं पूछ सकते। राजनीतिक द्वेषता कारण है? अब ये आप बताओ ना, आपको क्या लगता है? आप जाके पूछो इनकम टैक्स से, भाई आप क्यों गए, इनके बिना इन्फॉर्मेशन आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन? अगर आप ये पूछ पाए कि मिड डे मील योजना में घोटाले को लेकर आरोप लग रहे हैं, उसको लेकर क्या सफाई है? बात आती है, मेरा गुड़गांव में भी है, उत्तराखंड में भी है, लेकर ही ये गलत फहमी है आपकी। बार बार आप लोग ये जो उछाल रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या आपको ये है वो है, ये बार बार क्या ये बातें कर रहे हो आप? कोई अगर आपको कोई चीज पूछनी है तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, वो हमारे यहाँ आए हैं, मेरे बच्चों के, मेरे भाई के, हमारे पारिवारिक प्रतिष्ठान। ठीक है, ध्वज बने रहे आप हमारे साथ। राजेंद्र यादव राजस्थान सरकार में मंत्री हैं और उनके घर पर इस वक्त आईटी की रेड चल रही है, आईटी की टीम पहुंची है। देखना यह होगा कि इस रेड में निकलकर क्या सामने आता है।